माता पिता सास ससुर पति देव ये तीनों भगवान का रूप है, रूठ जाए तो मना लेना चाहिए। बोले शंकर भगवान। और सखी वापिस आई भगवान श्री कृष्ण को कहने लगी, कन्हैया ले तू सारा माखन खा ले, लेकिन मान जा। भगवान कहने लगे तेरा माखन जाए भाड़ में। बोले शंकर भगवान मैं नहीं खाऊंगा। सखी कहने लगी नहीं खाना मत खा, ऐसे बैठा रहा तू सुंदर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। जब सखी थोड़ी दूर चली गई भगवान श्री कृष्ण ने सोचा हटना, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। भगवान उठे पत्थर उठाया और जोर से मटकी के ऊपर मारा, सखी की मटकी फोड़ दी, लहंगा चोली खराब हो गए, मटकी फूट गई, माखन खराब हो गया। और भगवान श्री कृष्ण वहां से भागे और माता यशोदा की गोदी में छुप गए, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर तुम्हारी रक्षा हो सकती है तो कहां माता की गोदी में। बोले शंकर भगवान कन्हैया जी नवा ठिकाना पकड़ दे थी कदली बचल जाते बुरे बाग के बिहारी लाल की। भक्तों याद रखना, माता के पास बेटा 20 वर्ष के बाद भी
लिखा लिया जाएगा। माँ अपने गले से लगाए कि मेरा पुत्र आ गया। करौलिया लाया खाली बेलने में खरी सुतवाई हुई और ये शंकर भगवान एड़ी गल कुछ आती समझ इतना फर्क है। बोलिए बांकी बिहारी जी। तो आज हमारे छठे दिन की कथा को विराम हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त लाइन वाइज आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कथा सुनते हैं और माथा टेकने के लिए लाइन बद्ध तरीके से आ रहे हैं। क्या बात है जी। तो हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे कृष्णा। जय श्री कृष्ण।